17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। सत्रह महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर, देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये।